बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर समझाने से पहले मैं आपको तीन टर्म्स के बारे में समझाती हूँ ताकि हमें ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं। नंबर वन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसी का रिवर्स आ जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज टर्गर प्रेशर। क्या होता है कि व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, के जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर से सेल के अंदर मूव करेंगे। सेल के अंदर मूव करेंगे तो क्या होगा, जो प्लांट का वैक्यूल है वो वाटर से भर जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि सेल का वैक्यूल जो है वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाएगा और सेल के कॉन्टेक्ट को सेल वॉल की तरफ पुश करेगा। लेकिन ये प्लांट सेल बस्ट नहीं हो सकता ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। तो क्या होगा कि वैक्यूल के अंदर जो वाटर मौजूद है वो वाटर जब सेल वॉल के ऊपर इंटरनल प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, जब पौधे के तमाम सेल फुल ऑफ वाटर हो जाएंगे तो ऐसे सेल को हम कहेंगे टर्जिड सेल। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए हम पौधों को पानी देते हैं, जब हम पौधों को पानी देते हैं तो पौधों के तमाम सेल जो है टर्जिड हालत में आ जाएंगे, यानी अगर हम आम जबान में कहें तो फुल ऑफ वाटर हो जाएंगे। तो ये टर्गर प्रेशर जो होता है प्लांट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब पौधे के तमाम सेल टर्जिड हालत में होगा तो पौधा या कुछ जो हमारे पास प्लांट है वो बिल्कुल इरेक्ट पोजिशन में होगा। और इसके अलावा जो हमने लीफ में स्टोमेटा पढ़े थे, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी ये टर्गर प्रेशर की वजह से ही होती है। इसका रिवर्स हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है? द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, के जब पौधे का पानी एक्स ऑस्मोसिस के जरिए रिमूव हो जाता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसमें क्या होगा कि अगर हम प्लांट सेल के बाहर हाइपोटोनिक के बजाय हाइपरटोनिक सोल्यूशन मौजूद हो, यानी कि पौधे से बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अब प्लांट के वैक्यूल से निकलकर बाहर की तरफ जाएंगे एक्स ऑस्मोसिस के जरिए। तो क्या होगा कि वैक्यूल के अंदर से सारा पानी निकलकर बाहर चला जाएगा और वैक्यूल श्रिंक हो जाएगा। जब श्रिंक हो जाएगा तो इस सेल को हम कहेंगे कि ये सेल फ्लेक्सिड सेल हो गया, फ्लेक्सिड कंडीशन में आ गया है। तो जब पौधे के तमाम सेल फ्लेक्सिड कंडीशन में आ जाएंगे तो प्लांट के अंदर विल्टिंग की पोजीशन आ जाएगी, यानी कि पौधा मुरझा जाएगा। आप देखो जब हम पौधों को प्लांट को पानी नहीं देते हैं तो पौधों के तमाम सेल मुरझा जाते हैं, पौधा मुरझा जाता है। किस वजह से? प्लाज्मोलिसिस की वजह से। तो टर्गर प्रेशर और प्लाज्मोलिसिस प्लांट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।